नमस्कार, मैं सोनाली सिंह, स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। जीएसटी काउंसिल ने 15 जुलाई को सभी प्रकार के अनाज पर 5% की जीएसटी लगा दी है, जिसके कारण सभी गल्ला व्यापारी और उद्यमी आक्रोशित हो गए हैं। लखनऊ में शनिवार को लखनऊ व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने वाणिज्य कर कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार से मांग की है कि अनाज पर लगाई गई जीएसटी को वापस लिया जाए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वाणिज्य कर कार्यालय पर जुटे व्यापारियों में सरकार के इस निर्णय के खिलाफ गुस्सा दिखाई दिया। व्यापारियों ने कहा कि सरकार ने जनता को फ्री में अनाज देकर डंका पीटा था, लेकिन अब उस पर टैक्स लगा दिया। लखनऊ व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्रा ने कहा, अनाज से बनने वाले उत्पादों पर पहले ही टैक्स लिया जा रहा, अब ये अलग से टैक्स किस बात का? इसी बात है, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 महीने के लिए गरीबों के लिए अनाज में वृद्धि कर दी कि अनाज 3 महीने फ्री देंगे। सरकार डंका बजा रही, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रही कि 80 करोड़ आबादी को हमने अनाज फ्री दिया, तो फिर आटे पे टैक्स क्यों, अनाज पे टैक्स क्यों? आप अनाज ही तो दे रहे हो उनको, पैसे तो दे नहीं रहे हो। आप मान रहे हो इस देश में अनाज खरीदने की ताकत नहीं है, तो फिर आप टैक्स लगाओगे? और ऑलरेडी उनके बाय प्रोडक्ट पर टैक्स है, बिस्किट पर टैक्स है, रेस्टोरेंट पर बने हुए खाने पर टैक्स है, छोटे छोटे ढाबे पर जो खाना बन रहा है उस पर टैक्स है, कोई भी चीज़ आप खाते हो, कचरी, चिप्स, पापड़, सब पे टैक्स है। फिर एक बार टैक्स बढ़ाओगे, फिर इस टैक्स का परिणाम कहाँ जाएगा? 5% की वृद्धि कच्चे माल में हुई, तो फिर फाइनल प्रोडक्ट में फिर 5%, फिर बिकने में 5%। आप मान के चलिए 10 से 15 रुपये की तेज़ी आएगी, और सारा विश्व रिसेशन में है। ये प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं इंग्लैंड वगैरह में कि सेप्टेम्बर तक रिसेशन में आ जाएगा, और हिंदुस्तान को बचाना था, बचाने की जगह सरकार वसूली कर रही है। लखनऊ व्यापार मंडल के महामंत्री पवन मनोचा ने कहा कि सरकार लोगों को अच्छा अनाज नहीं देना चाहती है। सरकार के इस निर्णय से इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा। व्यापारियों ने सरकार की मंशा के अनुरूप हमेशा सेवा भाव से काम किया, लेकिन सरकार व्यापारियों पर ध्यान नहीं दे रही है। आज लखनऊ व्यापार मंडल का व्यापारी जो है अनाज के व्यापारियों के समर्थन में यहाँ पर बैठा हुआ है, सेल टैक्स भवन मीराबाई मार्ग पर। आज दुकानें बंद है अनाज की, इसलिए बंद है कि जो सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देती है, वो आम लोगों को और दूसरे लोगों को जो पैसे दे के अनाज देना चाहते हैं उनको अच्छा अनाज नहीं खिलाना चाहती है। इससे 10 से 15 रुपए का अनाज महंगा होगा और अधिकारियों का रिश्वत इंस्पेक्टर राज बढ़ावा होगा। हम अनाज व्यापारियों के साथ हैं, और जिस अनाज व्यापारियों ने कोरोना काल में सेवा की है, सेवा भाव के हिसाब से लाखों करोड़ का अनाज फ्री भी बांटा है, जिनके पास पैसा नहीं उनके घर पहुँचाया, उसके ऊपर इस तरीके के टैक्स थोपने का सरकार की जो नीयत है वो बिल्कुल साफ ये दिखाती है कि वो कहीं ना कहीं हर चीज़ को टैक्स के दायरे में ला के कहीं ना कहीं महंगा करने चाहती है। मैं निवेदन करता हूँ सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, कि इसको वापस लिया जाए। जब सरकार फ्री राशन दे सकती है तो हम लोग व्यापारियों को भी जीने देगी कि नहीं देने देगी? पहले इन्होंने ब्रांडेड बनाया कि अगर आपके बोरी पे नाम है तो इस पर टैक्स लगेगा या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उस पर करेगा। धीरे 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 वो घेरते चले जा रहे हैं, आज 5 है, कल 10 होगा, कल 18 भी होगा। हमारा विरोध बिल्कुल साफ है, सरकार को इसको वापस लेना पड़ेगा, अनाज को वापस लेना पड़ेगा, अनाज पे टैक्स वापस लेना पड़ेगा। व्यापारियों ने इस दौरान वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को अपना ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर ज्ञापन लेने आए अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि व्यापारियों की इन मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें आटा, दाल, सूजी, मैदा पे 5% जीएसटी लगाने का विरोध किया गया है, तो उचित फोरम पे इसको पहुंचा दिया जाएगा। विभाग हमेशा व्यापारियों के कल्याण के लिए ही था, आज है और रहेगा भी। हम लोग कोशिश करेंगे कि व्यापारियों को और आम आदमी को भी कोई तकलीफ ना हो, और जो दिक्कतें हैं हम लोग इसको वहां तक पहुंचाएंगे। व्यापारियों के इस आक्रोश से साफ है कि इस मुद्दे पर वे चुप नहीं बैठेंगे। लगातार टैक्स दर टैक्स की मार झेल रहे व्यापारी अब आंदोलन की मुद्रा में हैं। साथ ही व्यापारियों का कहना है कि सरकार के इस निर्णय से अनावश्यक महंगाई भी बढ़ेगी, जिसका असर हर आम आदमी पर पड़ेगा। लखनऊ से डेली इंसाइडर के लिए सुशील कुमार बाबूलाल की खास रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।